दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ अनुराग, देख रहे हैं एजी महत्व चैनल। फ्रेंड्स एक कमेंट आया था मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देखकर, तो दोस्तों वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति ने ज़मीन का सौदा किया, उसका एग्रीमेंट बनाया, नॉर्मल एग्रीमेंट बना था और उसमें 30,000 रुपये एडवांस भी लिया हुआ है। ठीक है, 30,000 रुपये एडवांस लिया हुआ है और जो ख़रीदने वाला व्यक्ति है वो 12 साल हो गया अभी तक उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाया है और अब जो है कह रहा है कि ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के लिए वो बोल रहा है। और ये व्यक्ति जो बेचा है ज़मीन, तो वो व्यक्ति क्या किया कि दूसरे व्यक्ति को भी और बेच दिया। इसको तो एग्रीमेंट बनाया था, बेचा था, लेकिन अब जो दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। ठीक है, तो अब उस जगह में अब जो पहले वाला व्यक्ति जो है अब उसको रजिस्ट्री कराने के लिए बोल रहा है, तो अब वो कैसे करे, क्या करेगा, तो वो ये चीज़ें कमेंट में आया था। तो इसका सोल्यूशन ये होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। अगर इस टाइप का केस होता है तो यहाँ पे यही सजेशन निकलता है कि एग्रीमेंट जो बनता है, नॉर्मल एग्रीमेंट 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प का एग्रीमेंट जो बनता है वो सिर्फ 11 महीने का ही होता है, उसके आगे का वैलिड वो मान्य नहीं होता है। क्योंकि और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब बनता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बनता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और वो एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में बनता है तो उसी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए भी वो एग्रीमेंट या 20 साल के लिए भी एग्रीमेंट वो बनता है। तो उस जगह में अगर ऐसा अगर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया होता तो उसका पैसा जो है डूबता नहीं, उसका पैसा मिल जाता। लेकिन उन्होंने जो है नॉर्मल एग्रीमेंट करा रखा है 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में करा रखा है और वो नोटरी कराया है कि नहीं कराया है, और कराया भी होगा तब वो उसको जो है मान्य नहीं होगा। सिर्फ जो है ये एग्रीमेंट 11 महीने का ही होता है। तो ऐसे में मामले में जो उन्होंने एडवांस दिया हुआ पैसा वापस करने योग्य नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है 12 साल हो गया, 12 साल तक जब उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है तो ये व्यक्ति की जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको तो पैसे की आवश्यकता है, पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगा, ज़रूर जो है किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेगा ही बेचेगा। तो ऐसे ही किया इन्होंने भी, इतना दिन तक जो है उन्होंने जब रजिस्ट्री नहीं कराया तो उसका हक नहीं बनता है कि जो है उस ज़मीन में जो है उसका कब्जा ले। वो इस तरीके से होता है, अगर वो कोर्ट में भी जाएगा तो उसको जो है मान्य नहीं होता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि आपस की बात होती है कि अब उन दोनों में अगर जो समझौता हो जाता है अब किस तरीके से करना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड पड़ता है। लेकिन कानूनी तौर पर जो है ये चीज़ें, जैसे एग्रीमेंट करा लिया है, 30,000 रुपये एडवांस दिया है और जो है 12 साल तक उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराया है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उस एग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं होता है इस जगह पर। और क्यों तीसरा व्यक्ति को ये क्यों नहीं बेचेगा, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो ये ज़रूर बेचेगा ही बेचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे मामले जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, जो ख़रीदने वाला व्यक्ति के ऊपर गलती है, क्योंकि नॉर्मल एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही होता है, 11 महीने के अंदर अंदर उसको जो है रजिस्ट्री करा लेना चाहिए उनको, और बाद में जो दबाव देगा तो वो तो गलत चीज़ है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग इसके लिए आप कोर्ट में भी जो है इसका केस कर सकते हैं। अगर कोर्ट इसके मामले में जो है विचार करता है तो उस समय जो भी कोर्ट आदेश करेगा उसको आप दोनों को जो है मानना पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोग को क्या सीखने को मिला जरूर यह कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ नॉलेज मिला तो जरूर जो है इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी ज़मीन से रिलेटेड वीडियो मिलती। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।